Lecture 34 Assalamu Alaikum Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication In today's lesson we will be looking at common writing problems and how to avoid them All of us as writers at some point or the other face particular problems A lot of these problems are individual to us but most of these problems are common for many writers And today we will look at the most commonly uh, found problems that writers face. In this lecture, we will learn about writer's block, which could be because of the lack of a well defined purpose or poorly analyzed structure or audience or lack of confidence or organizational problems. We will also look at punctuation problems, readability problems, problems with writing style, which could be due to organizational logic. Uh, problems with uh, with logic of organization, or um, there could be problems with the mechanical development of the topic, or the writer's style, or quality of the manuscript. Let's have a look at writer's block. What exactly do we mean when we say writer's block? I am sure a lot of you have heard of the term, but a lot of the times we are not really sure what it exactly means we know that when we get stuck with writing then generally we say that we are facing a writer's block although the results of uh, a writer's block are the same that writing gets blocked there are many sources of writer's block and the reasons for this a writer's block could be lack of information lack of a well defined purpose poor knowledge of the audience or lack of confidence इन चारों चीजों की वजह से एक राइटर्स ब्लॉक हो सकता है राइटिंग में ब्लॉक आ सकता है और लिखने में दुश्वारी हो सकती है लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट ऑफ दीज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ यू फील दैट यू आर नॉट एबल टू राइट मोर बिकॉज यू आर लैकिंग इन सम इंफॉर्मेशन देन दल्यूशन इज वेरी वेरी सिंपल गेट मोर इन्फॉर्मेशन इफ इफ योर सफरिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दैन ऑल इन टू डू इज़ गो आउट एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन बट नैचुरली इट्स नॉट ऑलवेज एज सिंपल एज दिस फर्स्ट वन हैज टू डिसाइड दैट यू डू नॉट हैव एनफ इन्फॉर्मेशन अगर तो आपको पता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन uh, कम है फिर तो उसका कोई उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर आप मजीद इंफॉमेशन जमा कर लें और फिर से लिखना शुरू कर दें लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लिखने में दुश्वारी हो रही हो लेकिन ये नहीं अंदाज़ा हो रहा हो कि ये दुश्वारी इस वजह से हो रही है कि इंफॉर्मेशन में कमी है लॉट ऑफ द टाइम्स वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नन ऑफ इट इज़ यूजफुल एंड इवन देन वी आर एक्चुअली फेसिंग अ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकॉज यूजलेस इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज़ टू अस सो यू नीड टू डिसाइड वॉट द प्रॉब्लम इज अनलेस यू आर श्योर दैट यू रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन यू विल नॉट गो आउट एंड गेट इट द श्योरेस्ट क्लू ऑफ फेसिंग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ बींग रिपेटिशस इफ़ यू आर रिपीटिंग योर सेल्फ अलॉट और यू आर राइटिंग इन सर्कल्स एंड नॉट गेटिंग एनी वेयर अगर आपको लगे कि आप एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं या आप सर्कल्स में लिख रहे हैं आपकी बात का कोई मकसद नहीं बन रहा है तो बहुत लाइकली uh, हु ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कम है या जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो Uh, सही नहीं है आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आफ्टर यू हैव डिसाइडेड दैट यू डू नॉट हैव एन एफ इन्फॉर्मेशन और द राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू विल हैव टू डिस्कवर द कॉज ऑफ इट आखिर ये ऐसे क्यों है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कम है या सही किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आप तो जाहिर है जब लिखने बैठे हैं तो आप अपनी तरफ से खासी इन्फॉर्मेशन जमा करके ही एक काम को करने बैठे हैं तो क्या ये, क्या, ये किस वजह से है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी नहीं पड़ रही इज इट बिकॉज यू हैव नॉट रिसर्च यूर आइडियाज थारली शायद आपने जो रिसर्च की वो कम थी आपने अपने आइडियाज़ को ठीक से रिसर्च नहीं किया ठीक से एक्सपैंड नहीं किया और इज इट बिकॉज यू हैव केप्ट पोअर रिकॉर्ड्स शायद आपने इन्फॉर्मेशन तो बहुत ली लेकिन आपने उसको ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया ठीक से उसको लिखा नहीं कहीं उसको जमा नहीं किया और इसलिए अब आपको याद नहीं आ रही वो इन्फॉर्मेशन तो इसलिए ये दो कॉजेज हो सकते हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के poor research and poor records. If your lack of information is the result of poor research, then you will have to stop writing and do more information gathering. You will have to stop and do more research. If you research then you will And if you find yourself stopping at many points to do more research, then you might uh, guess दैट यू हैव प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन पर्पज़ अगर आपको ये लग रहा है कि आपको बार बार रुक के ये फीलिंग हो रही है कि रिसर्च में कमी थी मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे और रिसर्च करनी है और फिर भी जब आप और रिसर्च कर लेते हैं और आप दोबारा लिखना शुरू कर दें तो फिर आपको यही लगता है कि अभी मेरी रिसर्च मुकम्मल नहीं है मुझे अब मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर और रिसर्च करनी है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो कम्युनिकेशन पर्पज़ है आपको अभी वो ही क्लियर नहीं हुआ है तो इसलिए बेहतर ये होगा कि पहले आप अपना पर्पज़ अपने आप को डिफाइन करें और फिर आप रिसर्च करना शुरू करें फिर आप इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करें इफ योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ पुअर रिकॉर्ड्स देन यू विल हैी डू रिसर्च इन ऑर्डर टू रिफ्रेश योर मेमोरी हो सकता है आपने रिसर्च पहले की हो लेकिन आपने रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं रखे हों तो फिर आपको वो रिसर्च दोबारा करनी पड़ेगी ताकि आपको याद आ जाए कि आपने क्या क्या चीज़ें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी और फिर आप उसको एक्चुअली रिकॉर्ड कर लें कहीं नोट डाउन कर लें द लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम दिस इज वेरी क्लियर डोंट ट्रस्ट योर मेमोरी एट ऑल डोंट डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ टू रिमेंबर एनी थिंग ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ इट और रिकॉर्ड इट और राइट इट डाउन इन सम फॉर्म और दी अदर सो दैट यू हैव अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इट एंड यू कैन कम बैक टू इट वेन एवर यू वॉन्ट

ऑफ़ योर लैक ऑफ़ इफॉर्मेशन वेदर इट वॉज़ पोअर रिकॉर्ड्स और पोअर रिसर्च वेन यू डिसकवर दैट there was lack of information and that is why you have writer's block, then you must stop writing. अगर आपको पता चल गया कि अब जो भी जो, जो भी कॉज था लेकिन आपको ये पता चल गया कि मेरे पास इंफॉर्मेशन कम है और इसकी वजह से मुझे राइटर्स ब्लॉक हो रहा है तो फिर आप उस वक्त लिखना बंद कर दीजिए बिकॉज कंटिन्यूइंग टू राइट एट दिस पॉइंट विल रियली अकम्पलिश नथिंग इट विल ओनली मेक यू फ्रस्ट्रेटेड दे विल भी नथिंग पॉजिटिव कमिंग आउट ऑफ इट क्योंकि जाहिर है जब आपके पास आपको एक राइटर्स ब्लॉक हो गया है आपकी राइटिंग वहाँ ब्लॉक हो गई है अब आप कितनी भी कोशिश कर लें आप उसको ठीक से कुछ नहीं लिख सकते जब तक आप रुक के मजीद इंफॉमेशन कलेक्ट करके दोबारा से लिखना ना शुरू करें आफ्टर यू हैिजोल्व दी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दैन यू कैन Begin writing again. The important skill to develop is the ability to notice that a lack of information is the source of writer's block that you are facing. Unless you are able to identify why you are facing writer's block, unless you are able to identify that it is because of lack of information, you will not be able to correct that lack. Remember that the clue I mentioned earlier, the clue is. A lot of the times that you are repeating yourself, and that is what tells you that you need more information. Another source of a writer's block is the lack of a well-defined purpose. A poorly defined purpose of your communication will make, will inevitably make your writing more difficult and it may block it altogether. Sometimes you will experience this as a lack of information. often, you will notice it as paragraphs, sections, or entire reports or papers that will shift in the middle. Uh, that the topic will shift in the middle of a paragraph or a section or a report or or a paper, and that shows that the purpose is not very well defined. For any case of poorly defined purpose, the solution is very simple. You need to develop. थ्री पार्ट पर्पज स्टेटमेंट फॉर द कम्युनिकेशन एंड डिवेलप एंड आउटलाइन ऑफ टॉपिक सेंटेंसेज बेस्ड ऑन द पर्पज स्टेटमेंट जो भी आपकी कम्युनिकेशन का पर्पज़ है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए तीन हिस्सों में और फिर अपने पैराग्राफ्स के जो टॉपिक सेंटेंसेज हैं वो लिखिए जो उन पर्पजेस के हवाले से हों इससे ये होगा कि आपके जो सारे पैराग्राफ्स हैं वो हमेशा आपकी कम्युनिकेशन पर्पज से मैच करेंगे Another reason for writer's block could be poorly analyzed audience or audience that has not been analyzed at all. At such times, you will find yourself staring at the computer screen, wondering who is going to read your report and what on earth they want from it. If you audience, report computer screen, और आप सोच रहे हैं कि आखिर इस रिपोर्ट को पता नहीं किसने पढ़ना है पता नहीं वो इससे क्या चाह रहे हैं तो फिर जाहिर है आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे सो यू नीड टू रिकग्नाइज दैट यू नीड टू एनालाइज योर ऑडियंस बेटर एंड दैट बिकॉज योर ऑडियंस हैज़ नॉट बीन एनालाइज प्रॉपरली यू आर फेसिंग राइटर्स ब्लॉक सो वंस यू रिकग्नाइज दैट देन यू नीड टू आंसर दीज टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हु इज़ गोइंग टू रीड योर रिपोर्ट एंड What do they want from it? When you answer these questions, then you analyze your audience. Basically, so the solution to a poorly analyzed audience is to stop writing again and analyze your audience. Who, who, who they are, what do they want? Once you have done that, you can overcome your writer's block and start writing again. Another reason why we face writer's block is. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज एज ए राइटर मेक्स यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ टू राइट वॉट यू आर राइटिंग इफ यू डू नॉट थिंक दैट यू कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली यू विल नॉट बी एबल टू जो आप अपने बारे में सोचेंगे जो आप अपनी एबिलिटीज को सोचेंगे आप उतना ही कर सकेंगे तो अगर आपको ये लगता है अगर आप खुद ही सोच रहे हैं कि मेरे से यह काम नहीं हो सकता तो फिर यकीन आपसे वो काम नहीं होगा yes. इसलिए जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप जो टास्क कर रहे हैं उसको आप प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर सकेंगे प्रैक्टिस योर सिस्टमैटिक अप्रोचेज ऑफ राइटिंग प्रॉब्लम्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द मोर यू फॉलो अ राइटिंग प्रोसेस दैट वर्क्स द मोर पॉजिटिव फीडबैक यू विल रिसीव अबाउट योर रिपोर्ट्स एंड पेपर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द मोर कॉन्फिडेंस यू विल डिवेलप इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेसिकली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का तो हल यही है कि आप प्रैक्टिस करें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होगी उतना ही आपको फीडबैक बेहतर मिलेगा और उस बेहतर फीडबैक से ज़ाहिर है आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आप मजीद बेहतर रिपोर्ट्स लिख पाएंगे इफ़ यू फाइंड दैट यू आर स्टक दैट यू आर फेसिंग अ ब्लॉक वॉट एवर यू डू डोंट कंटिन्यू टू राइट बिकॉज दैट विल अकम्पलिश नथिंग स्टॉप देयर Think why, why you are facing this problem, what the problem is, try to remedy that problem first and then continue writing. This way, you will actually waste less time uh, rather than if you uh, sit and keep trying to write again and again without uh, finding out what the real problem is. Writers also face organizational problems. Organizational problems are discovered during the editing phase, finding and fixing. these ऑर्गेनाइजेशनल problems is what मेक्स एडिटिंग important इसीलिए एडिटिंग पे हम इतना जोर देते हैं क्योंकि एडिटिंग के टाइम ही जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स हैं वो नुमायाँ होती हैं और उनको बेहतर किया जा सकता है इफ़ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स आर नॉट फिक्स्ड देन रीडर्स एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम एज कम्प्लीट ब्रेक इन कम्युनिकेशन पढ़ने वालों को जो कम्युनिकेशन uh, है उसका मतलब समझ नहीं आता अगर उस कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मसाइल हों तो उस होता यह है कि पढ़ते पढ़ते कोई ब्रेक आ जाता है या कोई गैप आ जाता है और रीडर्स को समझ नहीं आती कि कनेक्शंस क्या हैं लिंक्स क्या हैं एंड दिस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस सिंस योर रीडर्स विल हैव टू पजल आउट हाउ द राइटर गॉट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू एन अदर एंड नो रीडर अप्रीशियेट्स डूंगट वॉट विल हैपन इज दैट मैनी रीडर्स विल नॉट रीड ऑन अगर पढ़ने वालों को ये लगे कि हमें अब कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं हमें ये नहीं समझ आ रही कि ये लिख राइटर ये लिख रहे थे और आप कुछ और लिख रहे हैं और इन चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप क्या है ये इधर से इधर तक कैसे पहुँचे तो उनको ज़ाहिर है रुक के बहुत सोचना पड़ेगा बहुत आपस में चीज़ों का ताल्लुक बनाना पड़ेगा और ज़्यादातर होता ये है कि लोग जब इस पॉइंट पे आते हैं तो फिर वो पढ़ना आगे बंद कर देते हैं राइटर्स ऑल्सो फेस पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स

कि अगर आपकी पंक्चुएशन uh, uh, बुरी है या uh, पुअर है तो फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है उसका मतलब बहुत चेंज हो सकता है बहुत मुश्किल हो सकता है समझना सो एक्यूरेट कम्युनिकेशन डज ट्रमेंडसली डिपेंड अपॉन एक्यूरेट पंक्चुएशन वी गोइंग टू हैव अ लुक एट अ पंक्चुएशन टेस्ट आई वुड लाइक यू टू लुक एट सेंटेंस विदाउट लुकिंग एट द करेक्ट वर्जन जस्ट लुक एट द इनकरेक्ट वर्जन एंड सी हाउ वेल यू कैन पंक्चुएट एंड टेक एट दी करेक्टेड वर्जन दिस टेस्ट फोकस ऑन द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन प्रॉब्लम इन टेक्निकल राइटिंग इनकरेक्टली ये जुमला लिखा है प्रोफेसर बशीर रोड द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इज बिकम वेल नोन एज ए रिजल्ट मैंने इस जुमले को पढ़ा भी बगैर किसी पंक्चुएशन के हैं लेकिन इस और इसके अंदर लिखने में भी कोई पंक्चुएशन नहीं थी सिवाय इसके के एंड में एक फुल स्टॉप या पीरियड मार्क लगा हुआ है करेक्ट वर्जन वुड बी प्रोफेसर प्रोफेसर बशीर रोट द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हैज़ बिकम वेल नोन एज अ रिजल्ट अब इसमें द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक किताब या आर्टिकल का नाम है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में है क्लियर है कि ये इन्वर्टेड uh, कामर्स में क्योंकि चीज़ है तो ये किसी चीज़ का टाइटल है उसके बाद सेमी है और फिर बाकी का जुमला है और जो बोलने में पढ़ने में पॉजेज हैं वो भी उसी तरह हैं वन ऑफ द मिसकनसेप्शन्स अबाउट पंक्चुएशन एंड लैंग्वेज यूज इन जनरल इज दैट देर आर थाउजेंड रूल्स एंड टेन थाउजेंड एक्सेप्शन्स दिस इज नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट देर आर सम रूल्स एंड देर आर ऑफकोर्स समजेम्पन्स टू दोज रूल्स एज वेल बट नॉट देर नॉट इनाफ एग्जैम्पन्स और देर नाट सो मैनी रूल्स दैट यू केन नॉट लर्न दैम एंड दैट यू केन नॉट रिमेंबर दैम है ठीक है बहुत से रूल्स हैं बहुत एग्जाम्पल्स हैं लेकिन इतने भी ज्यादा रूल्स नहीं है कि उनको याद ना कर किया जाए uh, ज़्यादातर जो रूल्स हैं वो बेसिक हैं और वो अगर आपको सारे रूल्स पता हों तो फिर आप आराम से अपने सेंटेंसेस ठीक से लिख सकते हैं द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द टेस्ट सेंटेंस दैट वी जस्ट सॉ अबाउट प्रोफेसर बशीर इज द ट्रीटमेंट ऑफ कोटेशन मार्क्स इन रिलेशन टू अदर मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन You need to remember uh, basic rules that periods or, or full stops and commas are always placed inside the quotation marks. Semicolons, colons, dashes, etc., are placed in, uh, inside the quotation marks if they are part of the material that is being quoted. Agar semicolons, colons ya dashes up text mein text wo quoted material का हिस्सा है तो फिर वो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखे जाएंगे बट इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोटेड मटीरियल देन दे विल बी आउटसाइड द कोटेशन मार्क्स जो आप इन्वर्टेड कॉमर्स हैं उनके बाहर आप कोलन सेमी कोलन और डैश को तब लिखेंगे जब वो उस कोटेड uh, पार्ट का हिस्सा नहीं होंगे एन काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट राइटर्स फेस इज रीडेबिलिटी प्रॉब्लम्स रीडेबिलिटी इज अ बज वर्ड With with which most of us are familiar, much has been said about it, and there are numerous formulas which supposedly test readability. Readability is the likelihood that a project audience will be able to read and comprehend a piece of documentation. जो आपने एक documentation लिखी है, अगर वो कितनी readable है, उसको पढ़के कितनी likelihood है, कितने chances हैं कि पढ़ने वाले उसको आराम से समझ सकें, इस चीज को हम readability कहते हैं। Readability is an extremely important aspect of writing in any technical field, but particularly in the computer industry, because it is a technical field, and if the technical document is not readable, then it will not make any sense at all. There is one problem, however, no one has agreed yet on a readability formula that works. बहुत से फार्मूलाज हैं बहुत से चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम रीडेबिलिटी को बेस करते हैं और हम कहते हैं कि अगर टेक्स्ट इस तरह का है तो ये रीडेबल है या अगर इस तरह का है तो ये रीडेबल नहीं है लेकिन अभी तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं आया जिसके हम ये टेस्ट कर सकें कि उस फॉर्मूले को लगा के हम देख सकें कि हाँ जी ये जो टेक्स्ट है ये रीडेबल है और ये टेक्स्ट रीडेबल नहीं है इसको बेहतर करना है वन हाउ एवर पॉपुलर एंड वाइडली यूज फार्मूला

टेक्स्ट जो है ये कितना सिंपल है व्हाट यू नीड टू डू इज सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट व्हिच इज़ अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स लॉन्ग टू द नरेस्ट पीरियड एक सेंटेंस इतना लें या एक टेक्स्ट लें जो 100 अल्फाज का हो ज़ाहिर एक सेंटेंस 100 अल्फाज का नहीं होगा एक पैराग्राफ या एक सेक्शन लें जो तकरीब सौ अल्फाज का हो या अप्रोक्सीमेटली लेकिन ये ख्याल रहे कि इंट्रोडक्शन्स Leads or conclusions, because introductions, leads, and conclusions usually exhibit slightly different communication techniques. And so, if you take any of these, then the accuracy of this test will change. So, try to take uh, sections which are not introductions, leads, or conclusions, try to take a 100 word chunk from a discussion section of uh, any text. Then, count the number of sentences in the selected text. determine the एवरेज लेंथ ऑफ the sentences by डिवाइडिंग the नंबर ऑफ वर्ड्स इन the text by the नंबर ऑफ sentences. पहले देख लें कि उस टेक्स्ट के अंदर कितने सेंटेंसेस हैं कितने जुमले हैं फिर आ, जो टेक्स्ट के अंदर जितने अल्फाज हैं उनको आप जितने जुमले हैं उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए उससे आपको एवरेज मिल जाएगी देन काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव थ्री और मोर सिलेबस जो भी ऐसे अल्फाज हैं जिनके तीन या तीन से ज़्यादा सिलेबल हैं उनको लिख लीजिए लेकिन जो ऐसे अल्फाज हैं जो कैपिटल लेटर्स से शुरू हो रहे हैं या उनके तीन सिलेबल इस तरह हैं क्योंकि उनमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा है या उन वो दो अल्फाज को मिला के कम, आ, एक लफ्ज़ बना गया है उनको मत काउंट कीजिए लेकिन जो सिंगल वर्ड्स हैं तीन या तीन से ज़्यादा सिलेबल्स के उनको काउंट कीजिए इसके बाद जो आपने एवरेज लेंथ निकाली थी उसको इस नंबर में जमा कीजिए एड द एवरेज नंबर ऑफ़ एवरेज सेंटेंस लेंथ टू द नंबर ऑफ द थ्री सिलेबल वर्ड्स दैट यू काउंटेड जो आपको इसके बाद फिगर आएगा उसको आप पॉइंट जीरो फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए द रिजल्ट दैट यू विल गेट इज द फॉग इंडेक्स इफ यू प्लेस दिस नंबर ऑन स्केल ऑफ वन टू ट्वेंटी यू विल बी एबल टू हैव द अप्रोक्सीमेट रीडिंग लेवल रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट तो अगर आप अगर आपकी आ, जो भी आपको नंबर मिलेगा वो वो लेवल होगी जिस लेवल पर आपकी रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए ताकि आपको वो पर्टिकुलर टेक्स्ट समझ आए तो अगर टेक्स्ट मुश्किल है तो फिर आपकी रीडिंग एबिलिटी भी उसके हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए न टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट राइटर्स फेस इज दैट विद राइटिंग स्टाइल वंस राइटिंग स्टाइल Is also an editing phase problem. This is also a problem that you will uh, deal with when you are editing. At the draft phase, writers should be concerned about communicating the subject matter and not worry about style. Style becomes secondary, but at the editing polishing phase, style becomes a way of enhancing the communication and of making it easier to read. ड्राफ्टिंग की स्टेज पे आपको स्टाइल के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जब आप पॉलिश करने के पे आएंगे अपनी कम्युनिकेशन को जब आप उसको एडिट कर रहे होंगे तो तब आप स्टाइल को देखेंगे तब आप स्टाइल uh, के हिसाब से उसको क्रिटिकली uh, एग्जामिन करेंगे क्योंकि उसी से आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं और पढ़ने में भी ऑडियंस uh, को आसानी होगी बेस्ड ऑन द रीडेबिलिटी ऑफ योर राइटिंग स्टाइल स्टाइल इज़ डिटर्म बाय सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑल दो यू मे नॉट थिंक सो सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना बहुत मुश्किल है बहुत ग्रामर है इसमें लेकिन इतना मुश्किल असल में ये नहीं है अभी है मैं आपको दिखाऊंगी चार बेसिक किस्म के सेंटेंसेज और अगर आप इन चार डिफरेंट टाइप्स को सेंटेंसेस के डिफरेंट टाइप्स को अपने राइटिंग में इस्तेमाल करें तो आपका बहुत अच्छा राइटिंग स्टाइल बन सकता है The first basic type of sentence is the sentence which follows the subject verb order these are called subject verb sentences for example if you say the programmer quit the programmer is the subject and quit is the verb aur koi alfaz nahi hai ek bahut basic subject verb order follow in the second type of sentence you have the subject verb object और ये थोड़ा सा उससे अगली लेवल है और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें होता है फॉर एग्जाम्पल द प्रोग्रामर किक्ड द टर्मिनल द प्रोग्रामर इज़ योर सब्जेक्ट किक्ड इज़ द वर्ब द टर्मिनल इज द ऑब्जेक्ट अब इससे एक लेवल और पढ़ते हैं और देखते हैं सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस जिसमें अब तीन चीज़ें हैं सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट पिछले में तीन चीजें थी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है लेकिन लिंकिंग वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है फॉर एग्जाम्पल द प्रोग्रामर फेल्ट सिक हेयर अगेन द सब्जेक्ट इज द प्रोग्रामर द लिंकिंग वर्ब इज फेल्ट एंड सिक इज द कॉम्प्लीमेंट द फोर्थ टाइप ऑफ बेसिक सेंटेंस इज फॉलोज द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट object. That is the order S-V-I-O. Subject, verb, indirect object, object. For example, the programmer gave the engineer a headache. The programmer, aapka subject ho gaya, gave, verb ho gaya. the engineer, indirect object ho gaya, or a headache, object ho gaya. By itself, this is a lot of variety which writers can use in creating a varied and interesting style so if you keep these four types of sentences in mind you can achieve a lot of variety in your writing and uh, achieve a better style when we add to this basic structure different ways of modifying sentences the possibilities become enormous abzahi basic structures inke satham inke or modifiers सेंटेंसेस को मजीद मॉडिफाई करें तो हमारे पास खासी वैरायटी हो जाती है देर आर थ्री बेसिक वेज इन विच यू कैन मॉडिफाई सेंटेंसेस यू कैन यूज लेफ्ट ब्रांचिंग और यू कैन यू पुट द मॉडिफायर बिफोर द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल इफ यू से वेन वी एड टू दिस बेसिक स्ट्रक्चर वेज टू मॉडिफाई सेंटेंसेज कॉमा ये तो आपका मॉडिफायर था एंड योर मेन सेंटेंसेस द पॉसिबिलिटीज बिकम एनॉमस इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं द पॉसिबिलिटीज इज द सब्जेक्ट बिकम इज द लिंकिंग वर्ब एंड एनोमस इज द कॉम्प्लीमेंट सो ये आपने सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस लिया और इसके साथ मॉडिफायर लगा दिया शुरू में लेफ्ट ब्रांचिंग करके वेन वी एड टू दिस बेसिक स्ट्रक्चर टू मॉडिफाई सेंटेंसेज एन अदर वे ऑफ एडिंग मोडिफायर्स इज राइट ब्रांचिंग और आफ्टर द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इसी सेंटेंस को दोबारा लेते हैं राइट ब्रांच करके राइटर्स शुड वेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर अलाउिंग रीडर्स द अपर्चुनिटी टू पॉज डाइजेस्ट वर्ड द हैव रेड एंड गो ऑन अब इस एग्जाम्पल में राइटर्स सब्जेक्ट हैं शुड वेरी वर्ब है सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है और इसके बाद आपने आ, जो है मॉडिफायर लगा दिया Allowing readers the opportunity to pause, digest what they have read and go on. The third uh, way to add modifiers is mid branching or in the middle of the main parts of the sentence. For example, writers, if they are wise and experienced, vary sentence structures. Abhisme Abde writers subject hai. If they are wise and experienced, abne modifier lagaya. वेरी वर्ब है सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है तो जो आपने मॉडिफायर लगाया है वो आपने बीच में लगाया है वंस यू रियलाइज दैट इट इज़ दराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड लेंथस दैट मेक यूर राइट राइटिंग स्टाइल इंटरेस्टिंग यू विल बी ए सक्सेसफुल राइटर हाउ एवर यू नीड टू बी केयरफुल दैट यू डू नॉट ओवर यूज वन स्टाइल ओनली किसी एक स्टाइल को लेके ही आप मत यूज़ करें बार बार आप डिफरेंट स्टाइल्स को डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग टेक्निक्स को डिफरेंट सेंटेंस वराइटीज को लीजिए ताकि आपका राइटिंग स्टाइल जो है वो इंटरेस्टिंग बने देर आर मैनी अदर वेज ऑफ वेयरिंग सेंटेंसेज ऑफ वेयरिंग योर राइटिंग स्टाइल बट दीज सेवन ऑप्शन द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज एंड द थ्री वेज ऑफ एडिंग मॉडिफायर्स कैन बी यूज टू क्रिएट अबाउट फोर्टी सिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेज तो आप इन सात से लेकर डिफरेंट कॉम्बिनेशन इनके करके आप फोर्टी सिक्स किस्म के सेंटेंसेज बना सकते हैं और ये खासी वराइटी है आपके राइटिंग स्टाइल में एड करने के लिए नाउ वेन वी यू आर एडिटिंग योर वर्क यू नीड टू रियलाइज दैट इट इज द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग वेदर योर राइटिंग अ रिपोर्ट और अ पेपर अबाउट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एडिटिंग इज वॉट इंश्योर्स सक्सेसफुल कम्यूनिकेशन ऑलमोस्ट एवरी वन हो रज समटिंग बट मैनी डू नॉट एडिट सिस्टमैटिकली विद दिस स्पेसिफिक गोल इन माइंड बहुत बार होता है एडिट तो हम सब करते हैं जो भी हमने चीज़ लिखी है उसको ज़रूर एक बार देखते हैं कोई ना कोई उसमें चेंजेस करते हैं लेकिन सिस्टमेटिकली एडिट बहुत कम लोग करते हैं बहुत बार ये होता है कि जो हम लोगों के दिमाग में आइडिया होता है कि एक अच्छी रिपोर्ट या एक अच्छा पेपर ऐसा होना चाहिए वो हमारे एक गट रिएक्शन से होता है अपना काम देख के हम उसका बार, उसके बारे में कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे होते एंड वाइल्ड दिस प्रोसेस ऑफ एडिटिंग विद गट रिएक्शन मे वर्क फॉर वेरी सीजन राइटर्स राइटर्स लॉन्ग टाइम इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग

And the work of others without using just a gut feeling. Good editing divides the task of improving a document into a limited number of areas. Good editing means that you need to look at organizational logic, mechanical development of the topic, writer's style, and the quality of the manuscript. In chart, Chizonko agarar eke karke de keb ati expert editing kar sakte apni Let's have a look at organizational logic. The single most important issue in writing a report or a paper about computer technology for any audience is organizational logic. This is the first thing that a person needs to look for when editing a document. Uh, the ideas in a paper or a report should be interrelated. Joby ideas Joby logic up. Is paper report I एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होनी चाहिए उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्लियर होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लियर होनी चाहिए तो जब आप एक पेपर को एडिट करने बैठे तो सबसे पहले आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन को देखें कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई लॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर रही है या नहीं द इंफॉर्मेशन शुड फॉर्म अ सीक्वेंस विच शुड अपेयर प्रडिक्टेबल टू रीडर्स और इवन इन रीडर्स को पढ़ते हुए ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अब अगला सेक्शन जो है वो क्या किस चीज़ को डील करेगा और ये जो चीज़ है ये अंदाज़ा जो है ये उनको जो पीछे वो पढ़ रहे हैं उसी से होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ही टेक्स्ट की इस तरह होनी चाहिए कि उनको अगले सेक्शन का अंदाज़ा हो जाए कि अब ये लॉजिकली ये चीज़ फॉलो करेगी अ टॉपिक और एन आइडिया शुड एंटिसपेट टॉपिक्स एंड आइडियाज विच फॉलो इट दे शुड बी नो सरप्राइजेज इन अ डॉक्यूमेंट There should be no areas of confusion which the readers have to puzzle out for themselves. The other thing that you look for is the mechanical development of the topic. How the writer develops the topic goes hand in hand with organizational logic. If the ideas are arranged in a logical order, the development of the topic becomes fairly easy. अगर आइडियाज़ ही ठीक से अरेंज नहीं होंगे लॉजिकली अरेंज नहीं होंगे तो टॉपिक्स भी फिर उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाएंगे लेकिन अगर आइडियाज़ लॉजिकली अरेंज होंगे तो फिर ही टॉपिक्स भी बेहतर डेवलप हो सकेंगे एक टॉपिक के बारे में जो आगे चीज़ लिखनी है वो बेहतर तरीके से डेवलप हो सकेगी सो वेन एडिटिंग अ पेपर कीप इन माइंड इट्स इफेक्टिविटी यू मे हैव टू री राइट सम पोशन्स टू मेक दोज पोर्शन मोर इफेक्टिव

तो इसलिए जब एडिटिंग के वक्त आप अपने सारे टॉपिक सेंटेंसेस को बहुत गौर से देखिए और ये देखें कि जो टॉपिक्स हैं क्या वो मेन आइडिया से रिलेट कर रहे हैं या नहीं और फिर ये देखें कि जो टॉपिक सेंटेंसेस के नीचे जो इन्फॉर्मेशन आपने पैराग्राफ के अंदर लिखी है वो उस टॉपिक सेंटेंस के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही सो एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट दी पैराग्राफ शुड डिवेलप दैट टॉपिक एंड दैट टॉपिक ओनली एक पैराग्राफ में कोई और चीज नहीं इंट्रोड्यूस होनी चाहिए जो चीजें उस पैराग्राफ तो, के टॉप का टॉपिक सेंटेंस जिन चीजों से डील कर रहा है उस पैराग्राफ में सिर्फ उन्हीं चीजों का जिक्र होना चाहिए कोई नई चीजें नहीं इंट्रोड्यूस होनी चाहिए आल्सो यू नीड टू सी इफ देयर इज ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ्स इवन बिटवीन सेंटेंसेस ट्रांजिशन इज व्हाट लिंक्स द आइडियाज टुगेदर आपने ये देखना है कि आपके पैराग्राफ्स में आपके सेंटेंसेस में आपस में कि कोई ऐसे अल्फाज हैं जो उनको एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं या नहीं अगर ट्रांजिशनल डिवाइस नहीं हैं तो फिर पढ़ने वाले को कनेक्शन बनाना मुश्किल लगेंगे अगर ट्रांजिशनल डिवाइस हैं तो वो कनेक्शन आसान हो जाएंगे ट्रांजिशन कैन बी एक्पलिश्ड इन थ्री वेज द राइटर माइट रिपीट एन इम्पॉर्टेंट वर्ड इन टू एडजॉइनिंग पैराग्राफ्स और सेंटेंसेज कोई वर्ड या फ्रेज़ जो कि ज़रूरी है उसको दोबारा रिपीट किया जाए अगले सेंटेंस में या कुछ सेंटेंसेस बाद या अगले पैराग्राफ में पिछले पैराग्राफ से या पिछले सेंटेंस से लिंक दिखाने के लिए और द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर कैन अकम्पलिश ट्रांजेसन जिस तरह आपने पेपर को स्ट्रक्चर किया हुआ है वो भी आपकी ट्रांजेशन को हेल्प करता है अगर जो चीज़ें अब लॉजिकली एक के बाद दूसरी चीज़ आए तो वो भी ट्रांजेशन होती है अगर चीज़ों की आपस में जो आइडियाज़ के आपस में लॉजिक ना हो तो वो ट्रांजेसन क्लियर नहीं होती लेकिन अगर लॉजिक हो तो पढ़ने वाले को अंदाजा हो जाता है कि अब लॉजिकली ये इस चीज़ का जिक्र होगा एंड द थर्ड थिंग वुड बी द ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेज यूज टू इस्टैब्लिश लिंक्स बिटवीन आइडियाज इन एन ऑब्वियस वे द यूज ऑफ वर्ड्स सच एज फाइनली फर्स्टली सेकेंडली हाउ एवर एक्सेट्रा आर ट्रांजिशनल वर्ड्स दैट वी यूज टू शो द रिलेशनशिप्स टू शो द आइडियाज

अब आपने एंडिंग को भी देखना है कि एंडिंग जो है वो मेन पर्पस के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही और जो उस एंडिंग का जो पर्पस है वो क्या है ऑल्सो यू नीड टू सी विल द एंडिंग लीव द रीडर विद अ सेंस ऑफ फुलनेस एंड कंप्लीशन विल इट लीव द रीडर विद अ सेंस दैट यू हैव सेटिसफाइड देयर नीड्स अगर वो एंडिंग पढ़ के रीडर को लगे कि बस यही बात थी अब आगे क्या है तो फिर जो रीडर है उसको आप कंफ्यूज छोड़ रहे हैं कुछ कंप्लीशन की फीलिंग उनको नहीं मिल रही लेकिन अगर आपकी एंडिंग ऐसी है कि कि वो आपके मेन uh, पर्पज को राउंड अप कर रही है तो फिर आपके रीडर को जो है वो एक कम्प्लीटनेस और फुलनेस की फीलिंग होगी एंड में एंड फाइनली चेक द पंक्चुएशन थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट द दंक्चुएशन शुड रिफ्लेक्ट द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटर रिलेशनशिप ऑफ आइडियाज थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट इट शुड बी एक्यूरेट एंड करेक्ट By presently accepted standards. If you do not know what currently accepted standards are for punctuation, buy a good handbook or a grammar uh, book which tells you about punctuation because that will be a wise investment. All you need to do is just refer to it if you are not sure. Even if you have a good idea as to what society thinks is correct punctuation, get a handbook so that you can refer to it uh, easily whenever you are unsure.

written style is a bit more formal than normal conversation it's a bit more measured and more planned जब हम बोल रहे होते हैं तो हम इतना प्लान नहीं करते लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो हम खासा प्लान करके हम एक बार लिखते हैं उसको काटते हैं दोबारा लिखते हैं ज्यादा हम प्लानिंग करते हैं ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कॉन्वर्सेशन इज मोर नेचुरल इट्स मोर इम्प्रम्प टू देर इज वेरी लिटल प्लानिंग सो That is what is expected of it as well. But with writing, because we know that the writer has time to plan, the writer should have time to plan, the reader is also expecting a, a different style and a different type of style from the writing. In conversation, we establish clarity by observing visual and oral clues from the other person as to whether we are being understood or not. सामने हम जिससे बात कर रहे हैं उसको हम या देख सकते हैं या सुन तो सकते ही हैं और हम उससे इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं लेकिन जब हम लिख रहे हैं तो हम अपने ऑडियंस को देख नहीं सकते जो पढ़ने वाले हैं तो हमें इसलिए पहले से ही अंदाज़ा करना है कि जो हमने लिखा है वो उनको समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा सो दैट इज़ वाई वी नीड टू इन्श्योर दैट दी पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेज दैट वी आर राइटिंग

If you wish to sell an idea or a product, for example, your style must be persuasive. If you wish to convey information only, such as in a report to seniors, then this style should appear to be passively objective. So, keeping in mind the purpose of your documentation, you need to vary your style. Also, you need to see, is the style monotonous or not? Is your style very monotonous? If the sentences are of nearly the same length and same structure, the style will be monotonous and boring. If you have sentences, sare, wale bhi bore ho then you need to vary your sentence structure and length. The last thing that a writer needs to examine when editing a document is the quality of the manuscript. A manuscript should be visually attractive. Jo bhi aapka document hai, uski jo final look hai, wo it, this means that it should not only be orderly, that there should be obvious divisions and subdivisions in it as well. a manuscript should invite readership. have you ever seen a report or paper which has writing crowded on it? आउट टू द एजेस फ्राम द टॉप ऑफ दू द बॉटम और साइड टू साइड सच अस्क्रिप्ट लुक्स हार्ड टू रीड अगर आपको ऐसे एक आप पेपर या किताब पर देखें जिसमें बहुत सारी राइटिंग हो पूरे सफ़ों के ऊपर ऊपर से नीचे तक लेफ्ट से राइट तक बस वर्ड्स भरे हुए हों तो आपको देखते ही लगेगा ये कि ये किताब पढ़ने में मुश्किल है लेकिन अगर उसमें ब्रेक्स होंगे पॉजेज होंगे जो फॉर्मेटिंग है वो इस तरह होगी कि आपको देखने में वो पढ़ने में आसान लगे तो फिर आप उस किताब को Uh, ज़्यादा आसानी से पढ़ें, पढ़ लेंगे और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ द टाइपिंग ऑल्सो शुड बी क्लियर इन अ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड द प्रोडक्शन शुड नॉट बी स्लोपी बहुत अनटाइडेली प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा ऑल्सो रिपोर्ट और पेपर मस्ट भी सफिशेंटली डिटेल्ड एंड ओनली द राइटर नोज हाउ मच डिटेल इज सफिशेंट सो कीप इन माइंड द नीड्स एंड एड डि अकॉर्डिंग टू दैट नीड

बेकार की डिटेल बीच में दी गई हो फिर डिटेल भी होगा मैन्यूस्क्रिप्ट और शॉर्ट भी होगा एंड आफ्टर दिस यू वक्ट एट द मेस्क्रिप्ट एंड द क्वालिटी ऑफ द मैन्यस्क्रिप्ट देन यू नीड टू प्रूफ रीड दानूस्क्रिप्ट इज वेल एंड प्रूफ रीडिंग इज नॉट द सेम एज एडिटिंग एडिटिंग में आपको जजमेंट इस्तेमाल करनी है आपने देखना है कि हमने क्या चेंजेस करने हैं सेंटेंसेज में स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन में प्रूफ रीडिंग इज जस्ट अ क्विक चेकिंग फॉर एरर्स प्रूफ रीडिंग तो आप जल्दी से करेंगे सिर्फ देखेंगे कि कोई गलतियाँ तो नहीं है एडिटिंग में तो आपने अपनी जजमेंट इस्तेमाल करके चेंजेस करने हैं प्रूफ रीडिंग में आपने सिर्फ गलतियाँ दुरुस्त करनी है विद दिस वी कम टू देंड ऑफ टूडेज लेक्चर इन विच वी लर्न अबाउट द डिफरेंट राइटिंग प्रॉब्लम दैट पीपल फेस वी लुक एट राइटर्स ब्लॉक एंड लुक टी कॉजेज ऑफ राइटर्स ब्लॉक विच कुड बी लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पज Poorly analyzed structure, lack of uh, co um, confidence, lack of information. We looked at organizational problems, punctuation problems, readability problems, and problems with writing style, which we discussed could be due to lack of organizational logic or poor, poor mechanical development of the topic or um, a poor writer style or poor manu uh, quality of the manuscript. We also looked at how to correct all these problems. If you uh, have any problems when you are writing, try to keep these things in mind. See how you can apply them to your writing and how you can effectively improve your writing. Until next time, Allah Hafiz.